हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समकालीन भारत। एक क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 6 आज है, लास्ट चैप्टर है ये। और यूपीएससी बेसिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा नाम प्रिया है और ये हमारे दो चैनल है। आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको बताइए, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत की जाती है और 9 to 12 आपका प्रोग्राम, सॉरी 6 to 12 कम्प्लीट एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट, आप उसको कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेट स्टार्ट। तो ये 6वां चैप्टर है पॉपुलेशन, जनसंख्या का ये हम करेंगे। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, संसाधन का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधन का निर्माण एवं उपाय तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है, ये एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों को का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और कहाँ कैसे रहते हैं। तो उसके लिए जनसंख्या की गणना की जाती है। जनसंख्या का आकार, वितरण, तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या के आधार की वितरण बात करें तो मार्च 2011 तक भारत का जनसंख्या 12,106 लाख थी जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 175% थी, सॉरी 17.5% थी। यह मतलब 12.1 करोड़ लोग भारत को 32 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 मतलब 121 करोड़ है, 12.1 है ना, 121 करोड़ है के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी लगभग 19-20 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16% हिस्सा निवास करती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश है। ये नंबर सीरियल वाइज याद कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर अब चित्र देखिए, शेष विश्व में कितना है, 82.5% है, भारत में पूरा 17.5% जनसंख्या है। शेष विश्व में 97% क्षेत्रफल है और भारत में केवल 2.4% है और यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, किसकी जनसंख्या किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान है। भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही वहाँ पर है जबकि उत्तर प्रदेश में 16% लगभग है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान जनसंख्या घनत्व में भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है आपको। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से था, जहां बिहार का जनसंख्या था 1102 प्रति व्यक्ति किमी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति था। और चित्र में राज्य की जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को आपको समझना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2% था, ये आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, दिल्ली में 1%, हरियाणा में 2% और छत्तीसगढ़ में 2%, पंजाब में 2% है और असम में 3% है, झारखंड में 3%, केरल में भी, उड़ीसा में भी, गुजरात में 5% है, कर्नाटक में 5%, राजस्थान में 6% है और आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ पर भी 6% है और मध्य प्रदेश में भी 6% है, आंध्र प्रदेश में 7% है और पश्चिम बंगाल में 8% है और बिहार में 9% है और महाराष्ट्र में 9% है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16% है। अब आप देखेंगे भारत की जनगणना जनसंख्या घनत्व देखेंगे,
तो ये जो है 250 से कम है, जहाँ पर रेड ग्रीन ग्रीन है, 250 से कम जनसंख्या घनत्व है। और जहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ यहाँ ये वाला कलर आप देख रहे हो, वहाँ पर 251 से 500 के बीच जनसंख्या घनत्व है। और जो येलो वाला है, यहाँ पर 501 से 750 है। और जहाँ आप ये वाला देख रहे हो, ये जो है, ये कलर उत्तर प्रदेश है, ये आपका केरल है, यहाँ 751 से 1000 के बीच जनसंख्या घनत्व है। और रेड वाले में सबसे ज्यादा है, लगभग 1001 से अधिक, तो ये बिहार आ गया आपका और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को ये क्या बना, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। जम्मू कश्मीर राज्यों के साथ ही प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजित किया गया था 5/8/2019 को। तो यहाँ पर देखना है, पर 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए, जहाँ पर 250 प्रति व्यक्ति वर्ग कम जनसंख्या है, कौन से हैं, या मतलब ये ग्रीन वाले राज्यों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं भूपथरीले भूभाग माध्यम कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान का भाग दक्षिण में केरल जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम आपको बताने हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया, आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। परिवर्तन 3 प्रकार का होता है, जन्म, मृत्यु, प्रवास। और जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहला है सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में कुल वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या में जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 1901 में और 1911 में, फिर 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, इस सारी चीजों को आप देख सकते हो। तो प्रति 2 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या के प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011-12 में 12 मतलब लगभग मतलब 121 करोड़ हो गई, 36 करोड़ थी तब तक, और अब हो गई इतनी। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण देख सकते हैं आप। और सारणी 6.1 में जो चित्र दिए गए हैं ये वाला, इसमें और इसमें देखें दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या करती है, जो 1951 में 36 लगभग 36 लाख से 3,610 लाख से 1981 में 6 लाख मतलब 6,830 लाख हो गई। तो किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब ये जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों में पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या का वृद्धि जारी तथा 2045 तक भारत चीन का पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, जन्म दर, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु के दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है।
एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में मरने वाले वाले लोग संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1,000 में जो लोग मरते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। तो 1980 तक कुछ जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण शहरों शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण मतलब पुष कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव जो रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या के नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक मतलब 2001 से 11 के बीच भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। किशोर जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। वे भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधक हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों की प्राप्त भोजन पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता जो से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोर बालिकाओं की अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार प्रसार तथा सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में बात करें तो परिवारों को आकार को सीमित करना रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुभारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेवार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ये रहा होमवर्क आपका, इसको करके आप आंसर में भेज दीजिएगा टेलीग्राम में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका जो है ये समकालीन भारत एक आपका 9th क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, तब तक के लिए बाय बाय।